हेलो दोस्तों, महाकाश के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, सौरमंडल में कई ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह और कुछ वस्तुएं मौजूद हैं। इनमें से क्षुद्र ग्रह या फिर एस्टेरॉइड्स ज्यादातर मार्स और जुपिटर के बीच ज्यादा संख्या में मिलते हैं। आधुनिक महाकाश विज्ञान के अंतर्गत एस्टेरॉइड बेल्ट में सबसे बड़ा वस्तु है सीरीज। ये महाकाश में सबसे पहला ढूंढा गया एस्टेरॉइड है। पहले तो इसे 1801 के 1 जनवरी में जियोसिप्पी पियाजी ने सिसिली के पालेर्मो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी से ढूंढ निकाला था। इसे एटलस 2006 में नेपच्यून के ऑर्बिट में स्थित एक बौना ग्रह के कैटेगरी में डाल दिया गया। अपने तुलनात्मक साइज के कारण इसका ग्रेविटी ज्यादा रहता है और शेप भी स्फेरॉइड बना रहता है। लेकिन महाकाश में सीरीज लौता एक एस्टेरॉइड है जिससे वाटर वेपर उठते हुए देखा गया है। एस्टेरॉइड बेल्ट में मौजूद एक महत्वपूर्ण बौना ग्रह के साथ और भी कुछ फैक्ट्स जुड़े हुए हैं, चलिए उसे भी थोड़ा जान लेते हैं। सीरीज को पहले ग्रह के रूप में माना गया था, लेकिन एक प्रॉपर ग्रह जैसा कैरेक्टर नहीं मिलने पर इसे क्षुद्र ग्रह के रूप में माना गया। बाद में ड्वार प्लेनेट के कैटेगरी में डाल दिया गया। पियाजी ने सीरीज को ढूंढने के बाद इसे रोमन के फसल के देवी सीरीज के नामानुसार रख दिया, लेकिन उस वक्त नाम को लेकर कई मतभेद पैदा हुए थे। बाद में 1860 के दौरान पूरी दुनिया में अनेक एस्टेरॉइड के साथ सीरीज को भी मान्यता दिया गया। अपने अक्षीय झुकाव 4 डिग्री के साथ सीरीज 4.6 साल में सूरज का एक चक्कर लगाता है और अपने एक्सिस में घूमने के लिए 9 घंटे एवं 4 मिनट का समय लेता है। मतलब एक सीरियन दिन 9 घंटे एवं 4 मिनट का होता है। दोस्तों, सीरीज का टोटल मास 9.3835 प्लस माइनस 0.0001 इनटू 10^20 किलोग्राम है, जो कि 0.00016 पृथ्वी और 0.0128 चांद के बराबर है। इसके अलावा सीरीज का मीन रेडियस 469.73 किलोमीटर है और इसका सरफेस एरिया 2770,000 किलोमीटर स्क्वायर है। इस बौना ग्रह के सरफेस में तापमात्रा केल्विन स्केल पर सबसे कम 110 और सबसे ज्यादा 235 रहता है। हर्शल स्पेस ऑब्जर्वेटरी के द्वारा सीरीज के संबंध में कई जानकारी जुटाई जा चुकी है, लेकिन विस्तार से जानने के लिए डॉन मिशन का सहारा सबसे ज्यादा फायदेमंद हुआ। डॉन स्पेसक्राफ्ट 2007 में नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। यह स्पेसक्राफ्ट 2011 को और एक एस्टेरॉइड वेस्ता के ऑर्बिट में पहुंचा। वेस्ता से 12 लाख किलोमीटर दूर रहते ही डॉन ने अपना पहला इमेज सेंड किया था। 13 महीने वेस्ता के ऑर्बिट में गुजारने के बाद डॉन 2015 को सीरीज के ऑर्बिट में पहुंचा। लास्ट 2018 तक एक कंट्रोल्ड मिशन रहने के बाद डॉन को रिटायर कर दिया गया। सीरीज के ऑर्बिट में रहने के दौरान डॉन ने कुछ ऐसे चीजों के बारे में जानकारी दी जो उससे पहले कभी न मिल पाया। 2017 में डॉन से पता लगा कि सीरीज के सतह में वाटर वेपर उठते देखा जाता है। इससे मालूम चला कि सतह में मौजूद वाटर आइस तेजस्क्रिय इंटरनल हीट के कारण वाष्प होकर निकलता है। डॉन से ही पता चला कि सीरीज का गठन नमक रहित बर्फ, सॉल्ट रिच तरल, पत्थर और मेंटल में मौजूद हाइड्रेटेड रॉक से हुआ। चित्रों के द्वारा आप इस तीन हिस्सों को देख सकते हैं। डॉन स्पेसक्राफ्ट ने सीरीज में कई क्रेटर्स, माउंटेन्स और बड़े बड़े पत्थरों से बने बोल्डर्स को देखा। सीरीज के सतह में बने क्रेटर्स में सबसे बड़ा क्रेटर केरवन बेसिन है और यह बौना ग्रह के सतह में मौजूद सबसे ऊंचा पर्वत आहुना मॉन्स बताया जाता है, जो कि ऊंचाई में 13,500 फीट है। सीरीज में एल्बेडो रहने के कारण इसे सी टाइप एस्टेरॉइड बोला जाता है। हालांकि एस्टेरॉइड बेल्ट में ज्यादातर एस्टेरॉइड सी टाइप एस्टेरॉइड्स होते हैं। हबल जैसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप सीरीज के कई हाई रेजोल्यूशन इमेज भेज चुका है, लेकिन डॉन मिशन के दौरान इसके सतह से उड़ते वाटर वेपर और सरफेस में मौजूद वाटर आइस के साथ सरफेस के नीचे हिस्से में सब सरफेस ओशन होने का अनुमान भी पैदा कराया है। डॉन स्पेसक्राफ्ट सीरीज के ऑर्बिट में प्रवेश करते ही 2 ब्राइट स्पॉट को चिन्हित किया था, जिसे स्टडी करने के बाद मालूम चला सरफेस में किसी प्रकार के रिफ्लेक्टिव पदार्थ होते हैं, जैसे कि वाटर आइस या फिर नमक। नासा के इस मिशन से अच्छा रिस्पांस आने पर ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी और चाइनीज स्पेस एजेंसी फ्यूचर में डॉन से भी एडवांस मिशन के बारे में सोच रहे हैं। इस बार सैंपल रिटर्न के बारे में सोचा जा रहा है ताकि सीरीज को और भी डीपली स्टडी किया जा सके। दोस्तों, सीरीज के इस सफर में आपको कौन सी फैक्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी और अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन हो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।